हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको शिमला मिर्च आलू की सब्जी बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत ही देखने में भी सुंदर लगती है और खाने में भी बहुत बढ़िया। ये बहुत ही डेलिकस से है। आइए बनाते हैं हम इसको। मैं इसको नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाऊंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल रखा है पहले से ही, ये गर्म हो जाए। सबसे पहले मैं इसमें एक चम्मच जीरा डाल दूंगी। ये मैंने चार आलू पहले से ही काट के रख लिए हैं मीडियम साइज के। मैं इसको जीरे के साथ ही करती हूँ, ये अच्छे से हो जाते हैं इससे। मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, मैं बाद में नहीं डालती, मेरे को ऐसे ही अच्छे लगते हैं। ये थोड़े से हो जाए पहले। इधर मैंने शिमला मिर्च भी पहले ही काट के रख लिया चार, इसी साइड की, जिस साइड के मैंने आलू काटे हैं इसी साइड की मैंने चार शिमला मिर्च भी पहले से धो के अच्छे से काट ली है। ये मेरे आलू हो गए हैं। अब मैं इसमें ये मैंने रख ली दो टमाटर पहले से ही काट के रख लिए थे। मेरे को इसमें ना प्यूरी नहीं पसंद है, इससे ना ज़्यादा वो हो जाता है। ये ज़्यादा खट्टे नहीं हैं, लाल टमाटर हैं, इसलिए मैं इसमें आधा चम्मच अमचूर डाल दूँगी। वैसे तो नहीं पड़ता है इसमें अमचूर, लेकिन मेरे टमाटर बिल्कुल खट्टे नहीं है इसलिए मैं इसमें अमचूर डाल ली हूँ आधा चम्मच। एक चम्मच अदरक का पेस्ट, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसका कलर देखिए अच्छा आने लगे हैं। अब मैं चुटकी भर हींग डाल दूंगी इसमें। आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मिर्च स्वाद अनुसार, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक स्वाद के अनुसार। मैं इसको अच्छे से हिला लेती हूँ। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको 5-10 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी, मेरे आलू अच्छे से हो जाए। जितने बड़े मेरे आलू के पीस हैं मैंने उतनी ही बड़ी शिमला मिर्च के पीस करे हैं। अब मैं इसको भी डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसमें। मेरे को ऐसे ही अच्छी लगती है सब्जी, ये बिल्कुल ड्राई बनती है। ये पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, चपाती के साथ, किसी के साथ भी खाइए, ये बहुत अच्छी लगती है। इसको थोड़ी देर में ढक के रख दूंगी, ये अच्छे से हो जाए। जिससे इसको ढक के रख देती हूँ। हेलो गाइस, ये देखिए मेरी शिमला मिर्च आलू बनकर तैयार हो गई है। कितना अच्छा मैच है इसका शिमला मिर्च आलू का। अब मैं इसको इसमें आधा चम्मच वो डाल दूंगी गरम मसाला और धनिया पत्ती से इसको गार्निश कर दूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये जितनी देखने में सुंदर लगती है उतनी खाने में भी है। देखो कितना सुंदर कलर आया है इसका, कितनी ड्राई बनी है एकदम। मैं इसको धनिया पत्ती से गार्निश कर दूंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।